हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली कल वाली क्लास ही हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ रहे थे टाइपिंग टूल, हमने स्टार्ट किया था और इसके सारे के सारे हमने ऑप्शन देखी थी। जैसे ये टाइपिंग टूल लिया और इसके सारी सेटिंग थी, जो करेक्टर सेटिंग वो हमने देखी थी। तो जो सेटिंग हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी, सारी की सारी फॉन्ट चेंज करना, फैमिली चेंज करना, बड़ी डिटेल के अंदर हमने देखा था, ये सारी सेटिंग बिल्कुल सेम रहेगी। जो भी अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं टाइपिंग टूल, इनके ऊपर सारी सेटिंग सेम रहेगी, जैसा कि कल की क्लास में हमने किया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एरिया टाइप टूल। ये क्या चीज़ है? एरिया टाइप टूल का मतलब है कि जो एरिया आपने सेलेक्ट कर दिया पहले, उसी के अंदर आपकी टाइपिंग होगी, उससे बाहर आपकी टाइपिंग नहीं होगी। जो एरिया डिफाइन कर दिया आपने, जैसे मैं एरिया डिफाइन करता हूँ, एक रिक्टेंगल लेके, सिंपल रिक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पे, और इसको कोई कलर कर लें अगर आप करना चाह रहे हैं। तो अभी आपने जितनी भी टाइपिंग करनी है इसके अंदर होगी, लेकिन उसके लिए पहले आप सेलेक्ट करें ये सेकंड नंबर वाला टूल, एरिया टाइपिंग टूल। ये आपने सेलेक्ट किया और आपने कहाँ पे क्लिक करना है? पाथ के बिल्कुल ऊपर, कहीं पे भी कर दें क्लिक। ये पूरा पाथ है, पाथ आपको पता है कि हमारी शेप कंप्लीट हो रही है पाथ के थ्रू, पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है। जो ये बाउंड्री आपको नजर आ रही है, बेसिकली पाथ है। तो अगर तो आप मिड में कहीं पे क्लिक करते हैं, तो आपको ये एरर मिल जाएगी कि आप पाथ के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे, पाथ के ऊपर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके ये मैंने पाथ के ऊपर क्लिक किया इस तरह से, तो हमारा टेक्स्ट जो है, देखें, पाथ के ऊपर आ गया बिल्कुल, मतलब पाथ के अंदर आ गया जितना पाथ हमने दिया था। इसका अगर आप साइज ज्यादा करें ये इस तरह से, तो आपका टेक्स्ट जो है उधर ही रहेगा, पाथ के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अभी एक पैराग्राफ लिखा गया है तो पाथ के अंदर ही है, ये बाहर नहीं आ रहा। ओके, हम इसका कुछ भी चेंज करना चाहें, यहाँ से कोई फिल्टर करके या क्लियर ऑल करके, तो आप इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं इसका। ये आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें, कोई फॉन्ट चेंज करना चाहें, आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको दोबारा से टूल लें वही वाला, और इसको सिलेक्ट करके आप ये ख़त्म कर दें। यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना चाहें कोई भी आप, तो इजीली ऐड कर सकते हैं। एरिया टाइप टूल है तो आप, अच्छा अभी नीचे वाला रहता है, इसको भी सिलेक्ट कर लें आप और इसको डिलीट कर दें। काफ़ी ज़्यादा था इसलिए मैं बार बार शायद डिलीट कर, फॉन्ट हमने काफ़ी ज़्यादा कर दिया था। कंट्रोल ए कर दें तो सारा एक साथ ही हो जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखें, जैसे अभी मैंने कीबोर्ड प्रेस किया हुआ है कुछ भी लिखने के लिए, तो ये इसके अंदर ही रहेगा जो हमने एरिया दिया हुआ है। ओके जी, ये हो चुका है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। कोई और पाथ ले लेते हैं, जैसे हम अलिप्स लेते हैं एक, तो अभी हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट हमारा सारा इसी सर्कल के अंदर आए। दोबारा से वही टूल लिया हमने, एरिया टाइप टूल, और इसके पाथ के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर दें तो आपका टेक्स इसके अंदर आ जाएगा सारा। ओके जी, ऐसे अब आप जो भी इसको एडिट करना चाहते हैं, आप इजीली ये सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए करके डिलीट कर दें और यहाँ पे अपना टेक्स लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ एरिया टाइपिंग टूल, और जो भी आप लिखना चाहें, एक्स वाई जी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ऐड होता रहेगा ऐसे, रहेगा इसी सर्कल के अंदर, बिल्कुल इसी शेप में। जब हम डिजाइनिंग में यूज करेंगे, जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी ऐसे टेक्स्ट की, तो वहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हो चुका आपका सबसे पहले वाला एरिया टाइप टूल। अभी है टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये बहुत ही मज़े का टूल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, अगर आप लोगो वगैरह डिज़ाइन करें तो उधर इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टाइप ऑन अ पाथ क्या करेगा? ये एरिया था, ये टाइप ऑन अ पाथ है, जो आपका पाथ है उसके ऊपर टेक्स्ट राइट करेगा। जैसे मैं एक लेता हूँ यहाँ से, अलिप्सी सर्कल ही ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला, और अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ टाइप ऑन अ पाथ टूल और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ पाथ के, तो ये हमारा टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, देखें, पाथ के ऊपर आ चुका है हमारा टेक्स्ट, इस तरह से पाथ के ऊपर आ चुका है हमारा टेक्स्ट। ओके, पाथ के ऊपर आ गया, इसको आपने एडिट करना है या यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है, तो पहले वाला जो है वो ख़त्म कर दें और यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर लें। यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइप ऑन पाथ टूल। ओके जी, बाकी सारी ऑप्शन वैसी की वैसी हैं, इसका आप साइज़ ज़्यादा करें, कम करें, फॉन्ट चेंज करें, फैमिली चेंज करें, तो आप इजीली इसको जैसे मर्जी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं आप। ओके,
अच्छा जी, ये आ गया। ये थोड़ा हम डिटेल के अंदर करते हैं अभी। टाइप ऑन अ पाथ टू, ये जो आप सर देखे पहले फिल सर्कल था, जो ही आपने टाइप किया तो आपका सर्कल गायब हो गया। ये इसकी क्वालिटी कह लें या जो भी आप कहना चाहें, जब भी आप ये टूल अप्लाई करेंगे जो इनर होगा, फिल कलर होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, जस्ट आपका टेक्स्ट रह जाएगा। ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइप ऑन अ पाथ। जहाँ पे भी आपको लगे कि इसकी एडजस्टमेंट सेटिंग होती है, आप पूरी 360 पे इसको रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके जी, ऐसे करके ये आपने टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे, टाइप कर दिया पाथ के ऊपर। और यहाँ पे आप कुछ बनाने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे जी आपने एक सर्कल लिया हुआ है ऐसे करके ये, और आप चाह रहे हैं कि नीचे भी कुछ टेक्स्ट लिखा हो। अच्छा, इस टेक्स्ट को आपने इक्वल करना है, तो यहाँ पे रूलर लगा लें। मैं अभी कंट्रोल आर प्रेस किया, रूलर ऐड कर दिया। रूलर ऐड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसके और भी वेज हैं लेकिन वो हम एडवांस ऑप्शन में देख लेंगे। मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ। रूलर का मैंने यूज़ किया है, इसकी दोनों साइड से इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। ओके, टाइप ऑन अ पाथ टूल यूज़ कर लिया। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे भी हो टेक्स्ट, इसके नीचे बॉटम पे, तो वो कैसे करना है? मैं करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ करने से क्या होगा, कॉपी हो जाएगा फ्रंट पे। मैं करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, ये फ्रंट पे कॉपी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ नीचे रोटेट ऐसे करके। टाइप ऑन अ पाथ टूल नीचे की जानिब आ गया, लेकिन ये क्या है, हमारा टेक्स्ट फ्लिप नहीं है, हमारा टेक्स्ट रिवर्स में हमें उलट नज़र आ रहा है। इसको हम कैसे सीधा करेंगे, इसको आप सिलेक्ट करें टेक्स्ट को और इधर जाएं टाइप में, टाइप ऑन अ पाथ, और फिर इसकी टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन में आप जाएंगे। ऑप्शन में जाएंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन की। इसको आप सिंपली यहाँ से फ्लिप करें और प्रीव्यू ऑन कर लें। प्रीव्यू ऑन करने का क्या पर्पज़ है कि जो आप काम करें वो साथ साथ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको क्या करें, और इसको दोबारा से यहाँ पे आप ड्रैग कर लें नीचे टाइप होने बाद। लेकिन देखें कि ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, बहुत ऊपर चला गया आपका टेक्स्ट। इसको दोबारा ले आए वापस उसी ऑप्शन में, जाएं आप प्रीव्यू ऑन कर लें। और अभी कहाँ पे आए, ये कहाँ पे आपको शो हो रहा है, अलाइन टू अ पाथ, सेंडिंग ऑर्डर। इसका सेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो पाथ के बिल्कुल नीचे आ जाएगा, आउटर साइड पे आपका टेक्स्ट शो होगा। अगर डिसेंडिंग करेंगे तो इनर साइड, जो पाथ है उसके इनर साइड शो होगा। सेंटर करेंगे तो जो पाथ है उसके सेंटर में, और इसी तरह जो नीचे वाला बेस लाइन वो बिल्कुल बेस लाइन पर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेंटर यूज़ कर लेते हैं। सेंटर यूज़ किया तो यहाँ पे आ गया, इसकी हम बाद में सेटिंग कर सकते हैं। बाकी इसकी स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग इसकी है जी, फिर आप ऊपर जाएं इफेक्ट में तो यहाँ पे रेनबो इफेक्ट्स आ रहे हैं, स्क्यू के आ रहे हैं। ये आपने करना है अभी या नहीं, ये हम अभी रेनबो के ऊपर ही हैं, दूसरे नहीं यूज़ कर रहे। अलाइन टू पाथ कर ले या सेंटर, और फिर स्पेसिंग है, स्पेसिंग अभी ऑटो पे है। अगर -360 36 करें तो ये स्पेसिंग कम हो रही है, यहाँ से आप 18 पे आए तो स्पेसिंग इस तरह ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे आप प्लस में कोई यूज़ करें तो ये जो वर्ड्स में स्पेसिंग है ये कम ये ज़्यादा हो रही है, तो अभी हम ऑटो के ऊपर ही रहते हैं। ओके जी, हमने ऑटो कर दिया इसको, और अभी दोबारा से इसको अगर रोटेशन की ज़रूरत है तो आप रोटेट करें। अब ये बिल्कुल लाइन के साथ लग गया, अब चाहें तो इसको ऐसे नीचे कर लें, बिल्कुल सिंपल ये वे इसका, यहाँ से आप नीचे कर सकते हैं, या फिर इसका थोड़ा साइज़ अगर बड़ा करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, टाइप ऑन अ पाथ टूल हो चुका है अप्लाई। इसको आप एडिट करना चाहें, यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें, जैसे क्रिएटिव डिजाइनिंग, क्रिएटिव डिजाइनिंग ऐड करना चाहें, इसके कुछ भी आप चेंज करना चाहें, फॉन्ट स्टाइलिंग या कुछ भी, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें बाकी ऑप्शन यूज़ करना चाहें सारे के वो वही हैं, प्रीवियस क्लास वाले हैं, वो सारे वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। इसका साइज़ कम ज़्यादा या जैसे भी आप मैनेज करना चाहें वो इजीली आप कर सकते हैं। ओके जी, तो ये क्या किया आपने, इस इधर रूलर लगा लें तो आप देख सकते हैं इसका, अगर यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल आप कर सकते हैं यहाँ से। अभी ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक बताया इसका। ओके, फिर यही वाले जो ऑप्शन आपने अभी यूज़ किए हैं चेंज करने के लिए, वो आप इसी
टूल के ऊपर डबल क्लिक करें टाइप ऑन अ पाथ टूल के ऊपर, तो ये वाले ऑप्शन दोबारा से आपको शो हो जाएंगे। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं करना चाह रहे तो मैं इसको आपको एक और वे बता देता हूँ सिंपल, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया स्टार्ट में ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वो थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए नहीं बताया। ये वाली आपको छोटी लाइन नज़र आ रही है, इससे क्या होगा, ये बेसिकली फ्लिपिंग लाइन है, फ्लिप करने के लिए यूज़ होती है। आप इसको इनर और आउटर अगर यूज़ करें, ये इनसाइड ये आउटसाइड, तो देखें आप बाहर हैं तो आपका टैक्स सीधा है, आप इसको इधर लेके आ रहे हैं आउट कर रहे हैं, आप इनसाइड कर रहे हैं तो आपका टैक्स जो है फ्लिप होके नीचे आ जाएगा, जैसे आप ऊपर ऑप्शन में जाके करें। अगर इसी को यहाँ पे बाहर लेके आए आप इधर, तो ये आपका टैक्स हो रहा है वही बिल्कुल फ्लिप वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर और बाहर आ जाएं आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बाहर, तो आपका टैक्स इधर आ जाएगा, जो उधर हम बेस लाइन के ऑप्शन यूज़ कर रहे थे, फिर उधर असेंडिंग और डिसेंडिंग कर रहे, तो ये वही वाले ऑप्शन है यहाँ पे भी आ रहे हैं। ओके जी, ये आपने नीचे कर दिया, इसको उधर ले जाएं तो आपका ये इस तरह से हो जाएगा चेंज, जैसे मर्जी आप यूज़ करें इजीली आप कर सकते हैं। ओके जी, मैं अभी कंट्रोल जी कर दिया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो ये दो छोटी छोटी लाइंस आपको शो हो रही हैं यहाँ पे, इसको मैं बड़ा करूँगा। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो दो लाइंस शो हो रही हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ नीचे, और ये किस लिए यूज़ होगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये दो लाइंस हैं, मैं इसको एक को यहाँ पे ले आता हूँ कहीं पे या इधर। अब फर्स्ट वाली जो लाइन थी ये वाली, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये मूविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मूव करने के लिए टेक्स्ट को मैंने मूव किया, ये पूरा आप कहाँ तक मूव होगा, जो पहला पॉइंट आपने लगाया, जो फर्स्ट पॉइंट आपने लगाया लाइन यहाँ पे आपने रखी थी, यहाँ तक मूव होगा, इसके बाद ये रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें ये रिवर्स होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ करके ऐसे, ठीक है। अगर आप इधर से आएंगे क्लॉकवाइज तो तब भी सेम ही रहेगी ऑप्शन, ये गायब और आगे जाना स्टार्ट हो जाएगा ये इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं मूव करवाने के लिए, अपने टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए। ओके ये हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ले आता हूँ, और यहाँ पे आप इसकी कोई भी स्टाइलिंग करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। इसका फॉन्ट, इसकी स्टाइलिंग वो आपने देख ली है, इसका कलर चेंज करना चाहें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं ऐसे करके। ये जो मिड में लिखा हुआ है इसकी आप जैसी मर्जी स्टाइलिंग करें, इट्स अप टू यू, ऐसे करके करना चाहें इसको आप कर सकते हैं। ओके जी, ये हो चुका टाइप ऑन अ पाथ टूल का बिल्कुल बेसिक हमने आज काम किया। ओके इसको थोड़ा नीचे कर दो, तो इधर आप लिखना चाहें टेक्स्ट, जो इनर सर्कल मैंने लगाया है तो इधर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम लोगो डिज़ाइन करेंगे तो उधर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी बिल्कुल आप बेसिक के ऊपर ही लें। मैं एक और आर्टबोर्ड ले लेता हूँ, बाकी टूल जो है क्विकली देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है। इसी तरह वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल क्या करता है, सबसे पहले वाला हॉरिजेंटल टाइपिंग है, वर्टिकल आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस तरह वर्टिकल में शो हो जाएगा, ये वाला लिखा हुआ टेक्स्ट और वर्टिकल हो जाएगा। इसको आप रोटेट करना चाहें रिवर्स करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। अभी अपना टेक्स्ट आपने ऐड करना है यहाँ पे, कोई भी टेक्स्ट आप लिखें डिजाइनिंग, डिजाइनिंग इधर को आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, या इसी को आप रोटेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, साइज आप कम या ज़्यादा करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, स्पेसिंग देना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ओके जी, फिर नीचे आ जाएं तो आपके पास है वर्टिकल टाइप, देख लिया, फिर वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, ये बिल्कुल उसी तरह है जो एरिया टाइप टूल हॉरिजेंटली था, ये वर्टिकल ही है, मतलब जो आपने स्पेस सेलेक्ट करके दी है ये वाली एरिया सेलेक्ट करके दिया है, इसके अंदर अभी आपका टेक्स्ट टाइप होगा वर्टिकली एरिया। ओके जी, वर्टिकल में इस तरह से आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, जो भी आपने करना है इसको आपने एडिट करना है किसी भी तरह से, एडिट करना चाहें इसको पहले वाला डिलीट कर दें, यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर दें। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा टेक्स्ट था इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है।
ओके कंट्रोल, आप सारे को भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग की। कोई भी टैक्स है आपका, आप इस तरह ऐड करते जाएंगे। ओके जी, ये सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह मिलता जुलता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। फिर नीचे आए आप, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल लिखा हुआ है, जैसे पहले टाइप ऑन अ पाथ टूल था, ये इस तरह हॉरिजेंटली कर रहा था या इधर को कर रहा था, इसी तरह वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल है। जैसे मैं एक पहले पाथ बना लेता हूँ एक लाइन से, ये मैंने एक पाथ बनाया सिंपल, या फिर मैंने यहाँ करके एक ऐसे करके पाथ बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ और इसको ये कर देता हूँ। ये वर्टिकल पाथ्स हैं, इनके ऊपर मैं क्लिक करूँ, पाथ के ऊपर आके हमारा टेक्स्ट आ जाएगा इस तरह, इधर क्लिक करूँ तो इधर आ जाएगा वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ। ये बाहर क्यों चला गया, क्योंकि ये लाइन हम कर लेते हैं थोड़ी सी पीछे, ताकि पूरी पूरे पाथ के ऊपर हमारा टेक्स्ट आ जाए। मैं जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो छोटी छोटी लाइन्स हैं ये यूज़ होती हैं, आपने इसकी रेंज ज़्यादा करनी है, टेक्स्ट को ज़्यादा दूर तक लिखना है, टेक्स्ट को मूव करवाना है पाथ के ऊपर, ये उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये है, ये लाइन्स के मिड में आ रहा है बिल्कुल, इसलिए इसका साइज़ कम या ज़्यादा नहीं हो रहा। तो मैं इसको अगर नीचे ले आऊँ, ये जो लाइन लगी हुई है, जूम करके करना पड़ेगा, इसको आप कर दें थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। तो अभी आप ऐड करें कुछ भी, टेक्स्ट टाइप ऑन पाथ, तो अभी देखें इसकी रेंज ज़्यादा हो गई है, लाइन नीचे हो चुकी है और आपका वर्टिकली टेक्स्ट ऐड हो चुका है इस तरह से। ओके जी, ये भी हो चुका। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और कैनवास ले लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जूम, और हमारा एक बड़ा मज़े का टूल आ रहा है, अभी वर्टिकल हो चुका है, वर्टिकल टाइप भी हो चुका। फिर टच टाइप टूल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, मैं जैसे लिखता हूँ टच ही लिख देते हैं, टच टाइप टूल। ओके जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बोल्ड लेटर यूज़ कर लेते हैं ये वाले, और इसको थोड़ा सा और बड़ा साइज कर लेते हैं। टच टाइप टूल है ये हमारा। और टच टाइप टूल का क्या फ़ायदा होगा, देखें, टच टाइप टूल सेलेक्ट किया, इसका मतलब है कि आप किसी भी अल्फाबेट को टच करें, उसको कहीं पे भी आप ड्रैग करना चाहें, कहीं भी कलर करना चाहें, वो बिल्कुल सेपरेट होगा, सबसे अलग होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो आपका। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओ के ऊपर, इसका कलर चेंज करना चाहूँ, देखें सिर्फ ओ का होगा, इसी तरह सी का करना चाहूँ, यू का करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ तो इस तरह होगा। अगर मैं ओ की प्लेसमेंट चेंज करना चाह रहा हूँ, इसकी पोजिशन चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, यू की करना चाह रहा हूँ पे कर देता हूँ, सी की करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से जहाँ पे भी मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, पहले क्लिक करूँगा एक बार और फिर इसे चेंज कर दूँगा। इसी तरह वाई की यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, पी को यहाँ पे, टाइप ऐसे ही रहने दें। फिर टूल है, टूल को यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ पे रहने दें, थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, ये और अभी आप किसी का भी कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हो इजीली आप कर सकते हैं, एज का आपने कलर करना है, कोई और यू का करना है, ये सारे इंडिपेंडेंट है, जैसे चाहे इनको यूज कर सकते हैं। फिर मैं क्विकली इसको फिनिश कर रहा हूँ, यहाँ को ले आए, इसको ई इसके साथ है, इसको इधर कर दें, पी का कलर आप चेंज कर दें, कोई भी कर दें, ई है इसका रेड ग्रीन। ओके जी, कोई सा भी कलर कर दें आप, इट्स अप टू यू, जो आपको अच्छे लगे वो आप फिल करते जाएं। पहले आपने क्लिक करना है, ये क्लिक करना नहीं भूलना, जब बॉक्स बन जाए छोटा सा तो आपको पता चल जाएगा ये सिलेक्ट हो चुका है। ओके जी, ये इस तरह से, ये ठीक है, इनमें आप स्पेसिंग कम ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने भी यूज़ किया है टच टाइप टूल, जो भी आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपने वर्ड सेलेक्ट करना है, अल्फाबेट सेलेक्ट करना है, वो ईजिली करें, और इनका कलर चेंज करना है, जैसे मूव करवाना है, वो आप ईजिली कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमने कर लिए आज कंप्लीट अपने टाइपिंग टूल्स, ठीक है।
होप सो आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज होने इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो होप सो आप सबको बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।